स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने के लिए मिल रहा है काफी सारा ड्रामा। अभी अब अक्षरा के होटल के सामने आकर बैठ गया है। अब उसने ठान ही लिया है कि वो अक्षु से मिलकर ही जाएगा। ऐसे में आप देखने वाले हैं माया अपने फैंस से मिलने के लिए बाहर आएगी और अभिमन्यु को भी कुछ लोगों से ये पता चलेगा कि आने वाली है सिंगर माया जिसने गाना गाया था लग जा गले। अब ये सुनकर तो अभिमन्यु भी उससे मिलने जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे कि जब वो माया से मिलेगा तो पूछेगा कि क्या वो गाना तुमने गाया था और वो कहेगी कि हाँ ये गाना मैंने ही गाया था। लेकिन अभी जानता है कि ये आवाज उस लड़की की नहीं बल्कि उसकी अक्षरा की है। वो उससे पूछेगा कि वो कहाँ है जिसने ये गाना गाया है। माया घबरा जाएगी और कहेगी कि ये गाना उसी ने गाया है। अभिमन्यु उससे काफी सवाल जवाब करते हुए नजर आने वाला है। तभी वहां से माया चली जाएगी और वो अक्षु को जाकर बताएगी कि आज उसे एक अजीब सा सनकी सा ही आदमी मिला जो उसे काफी सवाल जवाब कर रहा था। वाली यहां पर अक्षरा परेशान है कायरव को लेकर क्योंकि कायरव फोन ही नहीं उठा रहा है। दरअसल कायरव भी अब इंडिया वापस लौट आया है जो गोयन का हाउस जाता है लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पाता। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि होगी अक्षरा डॉक्टर कुणाल के साथ और उसे काफी कुछ सुनाते हुए नजर आएगी। तभी अचानक ही उसका मन घबराएगा और उसे लगेगा कि अभिमन्यु को कुछ हुआ है। यहाँ दूसरी तरफ अभिमन्यु जो माया का पीछा कर रहा होता है वो बाइक से गिर जाएगा और होगा उसका छोटा सा एक्सीडेंट। तभी अक्षरा की गाड़ी वहीं से जा रही होगी। वो अभिमन्यु के पास जाने की कोशिश करेगी लेकिन डॉक्टर कुणाल उसे रोकते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन तभी आप देखेंगे कि कुणाल की ये चीजें देखकर अक्षु उससे थप्पड़ जड़ देगी। जी हाँ, और कहेगी कि ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। वाल यहाँ पर अक्षरा अपने अभी से मिलने वाली है और उसे खुद ही लेकर जाने वाली है हॉस्पिटल। देखना ये होगा जब अभिमन्यु को आएगा होश और जब वो अक्षरा को अपने सामने देखेगा तो क्या होगा उसका रिएक्शन, क्या नया तूफान आएगा इनकी जिंदगियों में। ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।